अगर आप मधुमक्खी की थूक यानी कि शहद को आप अपने जख्म लेते हो, सुबह खाली पेट सेवन करते हो, पेट की चर्बी कम होती है और कभी वो नुकसानदायक नहीं होता। शुगर पेशेंट बोलता है ये मीठा होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कभी भी जड़ी बूटी नुकसान नहीं करती। नेचुरल शुगर आपको कभी ज़िंदगी में शुगर नहीं बढ़ाती। हाँ, अगर आप उसके साथ उनके पत्तों का सेवन करते हो, पत्ते जैसे कि अमरूद के पत्ते और आप जामुन के पत्ते ले सकते हो शुगर के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। वो पत्ते होने चाहिए जो लवे लवे पत्ते हों। यही बात आ गई फूलों की, उनके जो फूल होते हैं वही आपको जीवन दान देते हैं। तो शहद एक ऐसा है तो उल्टी लेकिन है तो उनकी खुराक, आप चिढ़ाओगे लेकिन अगर किसी का भला होता हो तो वो थोड़ा सा हम ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने जख्म के बारे में बताया कि जब भी जख्म हो जाता है तो हमें शहद की जो है वर्तो करनी चाहिए, उसका यूज़ ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब, शहद जो है वो किस ग्रह से आता है? क्योंकि हमारा ज्योतिष का प्रोग्राम है, आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम है, हम जीने की कला सिखाते हैं यहाँ पे। तो प्रोफेसर साहब, बात आती है ज्योतिष के ऊपर, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, तो जानेंगे कि जो जख्म होते हैं वो किस ग्रह से आते हैं। कई बार इंसान की बॉडी पे लाल लाल दाने हो जाते हैं, कई बार पस वाले दाने हो जाते हैं जिसमें वाइट पानी होता है, तो ऐसे दाने जो हैं वो किस ग्रह से आते हैं और उसका क्या उपाय हो सकता है, और जो शहद है वो किस ग्रह से आता है? शिफाली जी, जो शहद है मीठा शुक्र, और सबसे बड़ी चीज़ वो आपके अंतड़ियों को ठीक करता है। सूर्य एक सूर्य ग्रह ऐसा है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर करता है, और गर्म होता है मंगल। देखिए, साइंटिफिक रीजन से हर बात बोलूँगा, बिना साइंटिफिक रीजन से बात नहीं करता मैं। दाने मंगल से होते हैं, पस के दाने केतु से होते हैं, जो जख्म होता है वो केतु होता है। अगर कहीं केतु खराब हो जाता है तो आपका जख्म बढ़ता रहता है। हाँ, अगर कट लग जाता है वो मंगल से लगता है, अगर आपके काफ़ी कट लगते जैसे बहुत बड़ा टक लगता है तो वो शनि से लगता है, अचानक कुछ दुर्घटना घटती तो वो राहु से होती है। अगर आप ग्रहों के बारे में बारीकी में नहीं जानते तो समझ लीजिए आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाते। अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए आपको नेचर में जाना पड़ेगा, नेचर से प्यार करना पड़ेगा। हमारे पंडित जी आते हैं तो कहते हैं, चलो नाम नहीं लूँगा मैं, यहाँ पर खड़े हो गए। मैं कह देखिए पंडित जी, यहाँ पे ये कि सफ़ेदे की कितनी अच्छी हवा, कितना ये जड़ बूटी है, ये गंदा है। मैंने कहा क्यों पंडित जी, क्या हुआ गंदा? ये पानी ज़्यादा लेता है और ऑक्सीजन बहुत कम छोड़ता है। मैंने कहा कोई भी चीज़ जो होती है, जो हमें हरियाली हरी दिखती है, हमें उसे प्यार करना चाहिए। ये दिल की बात बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं आपको ना घुमा के कैमरा दिखाऊंगा, आपको शायद पता चल जाएगा। वाकई में अभी भी बसंत से पहले जो सफ़ेदा है इसने अपनी भूर झेड़ दी, सब कुछ हमारा एक सेकंड में हमारा जो बाहर का पार्क है वो गंदा हो जाता था। मैंने इसकी ओर बड़े ध्यान से देखा। मैंने कहा यार ऐसे क्यों करता है तू, मैं तुझे इतना अच्छा मानता हूँ, मत करा कर यार ऐसा, मेरी गाड़ी गंदी हो जाती है, वो आपकी जो भूर होती है उसमें गूंद होती है, वो शीशे के ऊपर चिपक जाती है, बार बार गाड़ी को धोना पड़ता है, हमारा जो फर्श है वो ख़राब होता है, ऐसा मत कर। मैं इससे बातें करने लग शुरू कर दी मैंने आज से 1.5 महीना पहले। आप किसी से भी बातें कर सकते हो, वो आपको जवाब देगा। आप सच मानो, तब से ही बूर डिग्री बंद हो गई, हवा इधर से चलनी शुरू हो गई, बूर सड़क पर रोड के ऊपर गिरनी शुरू हो गई, तो मेरा पार्क हमेशा ही साफ रहता है। 1 महीने से साफ रहता है, पहले 1 महीने पहले बहुत गंदा रहता था। आज हमारा नया साल शुरू हुआ है ज्योतिषियों का, पहले तो नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। भगवान करे बहुत अच्छी रहे पूरा साल, पूरी दुनिया का अच्छा रहे। लेकिन साल तो अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन अगर अच्छे लोग अरदास करते हैं भगवान के आगे तो अच्छा जरूर जाता है। शायद भगवान की कृपा से, मैं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप भगवान के आगे अरदास कीजिए अच्छे की, ताकि हमारा हिंदुस्तान अच्छा जा सके। कोशिश करूंगा मैं अपने खर्चे और भी कम करूं, कोशिश करूंगा जिससे फालतू खर्चा होता है, जैसे कि गाड़ी पे आता हूं तो गाड़ी का तेल लगता है, गाड़ी का खर्च होता है, इसलिए कोशिश करूंगा साइकिल के ऊपर आने की जो पहले लोग आते थे, और ऐसा करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। अगर आप मेरी नकल भी करते हो तो मेरी गारंटी आप कामयाब भी हो गए, आप तंदुरुस्त रहोगे, और आपको कभी ये नहीं कि आप मेरे को ये खर्चे करने हैं ये खर्चे करने, इन खर्चों से भी दूर भागोगे। अगर मेरा कहना मानते हो, छोड़ दीजिए शर्म, बाहर जाइए। मैं स्विट्ज़रलैंड में गया था शिवाली जी, आपको पता होगा,
हम स्विट्जरलैंड में गए थे यूरिक में, वहाँ कहते हैं एक साइकिल पे आता है, एक बड़ी गाड़ी में आता है, चाहे उसके पास रॉयल रोग हो, चाहे उसके पास मर्जीज हो, चाहे उसके पास ऑडी हो, कोई भी गाड़ी हो, उन दोनों की तनख्वाह सेम होती है। देखिए वो यही नहीं कहता कि यार मैं साइकिल पे आ रहा हूँ, मेरा कोई देखूंगा मेरी इंसल्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर हर एक इंसान की बहुत बड़ी कदर है। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा कि शायद मैं भी ऐसा कर सकूँ, मैं तो ऐसे रहूँगा सिंपल साधारण और बन के रहूँगा। हाँ अगर आपके पास आना, जैसे कि मेरे टूर होते तब तो मुझे गाड़ी उठानी पड़ेगी, पहले मैं दो दो गाड़ियों के ऊपर आता था, आज के बाद मैंने सोच लिया खर्चे बिल्कुल नहीं करने, दो गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं, हम एक गाड़ी में आएंगे चाहे हम कम लोग ही हैं। तो कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि आपको मिलना है, सब ने करना है तो ऐसे ही हम करेंगे। हमने जितना भी, अगर आप मेरा साथ दोगे, आप भी ऐसे करते हो, तो हमारे भारत की जो अवस्था है वो मेरी गारंटी है सुधरना जरूर शुरू कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ज्ञान भी मिलेगा, जो कि आज शेफाली जी ने शहद के ऊपर बात की, और उसके ऊपर फिर मैं बात करता हूँ वही जो पीछे हमारी रह गई थी, जो शेफाली जी ने पूछा था आप अवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जो आप गरीबी को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जो हमारे लोग रोते हुए आते हैं ये खुश कैसे हो सकते हैं। तो देखिए बातों बातों में ये बात हो गई हमारे बीच में, तो ये मैंने कदम उठा लिया, तो आप भी उठाओगे तो खुश हो जाओगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम बताएंगे, कंटिन्यू तो हम करते रहेंगे। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने नव वर्ष की बधाई दी लोगों को, हालांकि जब नया साल शुरू होता है अगर हम इंग्लिश महीने के हिसाब से देखें तो जनवरी से स्टार्ट होता है, तो इससे एक हफ्ता पहले ही लोग एक दूसरे को बधाई देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि देसी महीने के हिसाब से हमारा नया संवत जो है वो 13 अप्रैल 14 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो प्रोफेसर साहब, इस नव वर्ष की सभी आपके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो प्रोफेसर साहब यहाँ पे बात आती है, अभी आपने बताया, मैंने ही शुरुआत की, जैसे कि मैंने कहा कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसकी प्रकृति नहीं लेता। कभी इंसान ज़िंदगी में फेल हो जाता है, पहले तो फेल का मतलब समझिए, FAIL, फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी की पहली कोशिश, हम पहली कोशिश में ही डूब जाते हैं। प्रोफेसर, जब एंड होता है ज़िंदगी का तो इसका मतलब समझिए, एफर्ट नेवर डाई, एफर्ट जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर, इंसान ही ऐसा क्यों है, अपनी सीख से फिर भी नहीं सीखता, क्यों नहीं उसको समझ लगती कि फेल का मतलब होता है कि अभी आपकी शुरुआत हुई है, एंड का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मर गए, ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन प्रोफेसर, ये जो एपिसोड है ना, ये सभी उन लोगों को, जो लोग नाकाम हो चुके हैं ज़िंदगी में, थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है दूसरे लोगों की ज़िंदगी तक बचा सकता है। क्योंकि कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं ज़िंदगी में, अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन की गोलियां तक खा लेते हैं, लेकिन ये जो एपिसोड है वो आप लोगों के लिए ही है। तभी तो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने इस एपिसोड का नाम रखा है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़े हैं रहस्य। तो रहस्य जो है हम खोलते जाएंगे। प्रोफेसर, अभी जो मेरे सवाल हैं वो बहुत बाकी हैं, लेकिन क्या करूँ, टायर्ड हो गई, क्योंकि आप सुबह सुबह अपनी टीम को बहुत भगाते हैं, तो आपके जितनी एनर्जी नहीं है हम में, तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए शिवाली जी, हम घुमाते हैं कुर्सियों को। अमन बेटा आए, भाइये थोड़ा सा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठिए शिवाली जी। कौन सा मुद्दा था अब आपका, कौन सा रह गया मुझे बताइए। प्रोफेसर, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि कहते हैं कि संबंधों की 5 सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। ये 4 सीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत सरल हैं, लेकिन 5वीं सीढ़ी सबसे ज़्यादा कठिन है, वो है निभाना। निभाता कोई नहीं है, रिश्ते नए नए बना लेते हैं, अच्छा जी मेरे को इसके साथ प्यार हो गया, क्योंकि आजकल ये नॉर्मल बात है, राह जाते लोगों के साथ अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है। थोड़ा टाइम बीतता है, अभी 1 महीना ना कोई एक दूसरे को बुलाए तो संबंध चेंज कर लेते हैं, निभाते कोई नहीं है। लेकिन प्रोफेसर, ये आज की डेट में भी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पहले ज़माने के जो लोग थे वो तो चिट्ठियों पर डिपेंडेंट थे,
आजकल तो मोबाइल फ़ोन सेल फोन हैं तो बड़ी जल्दी बात हो जाती है, एक घंटे अगर फ़ोन ना आए तो बंदा कहता है यार छोड़ भाई इसको, नया उठाते हैं, नए को पकड़ लेते हैं। लेकिन पहले लोगों के पास इतना धैर्य, इतना पेशेंस था, सालों सालों चिट्ठियों का वेट करते थे। तो प्रोफेसर ये आज का क्या वो सतयुग तो नहीं था, वो भी तो कलयुग ही था, क्या ऐसा क्यों लोगों में धैर्य की कमी इतनी क्यों हो गई है? शेफाली जी पहले तो ये है कि मैं पहले क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं दिया, हमारा पहला क्वेश्चन भी बाकी है और आपने एक और मुद्दा उठा लिया संबंधों के ऊपर कि संबंध हमारे क्यों नहीं अच्छे रहते, यानी कि इंसान दूसरे इंसान को क्यों छोड़ देता है, धैर्य क्यों नहीं रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया शेफाली जी आपने, लेकिन नहीं नो, ये एपिसोड पहले मुद्दे के ऊपर ही चलेगा। जब तक पहला मुद्दा आपको मैं क्लियर नहीं करता, दूसरा संबंधों के ऊपर लेके जाऊंगा जरूर। जी प्रोफेसर, अब यहाँ पे माफी चाहती हूँ, अभी आपने वर्ड बोला नो, NONO, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आने लगी है, क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ रहते रहते मैं खुद पॉजिटिव हो गई। मुझे अब प्रोफेसर साहब की क्या, कोई भी इंसान मेरे पास आके बोले कि आप ये नहीं, आपने ऐसा करना है, तो मैं उसमें भी पॉजिटिव ढूंढना शुरू कर दिया मैंने। तो प्रोफेसर यानी कि मैं तरक्की की राह की ओर चल पड़ी। शेफाली जी जो भी हमारे यहाँ आता है तरक्की की राह तो शुरू हो जाती है जी। ये नहीं कि आपको, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ शेफाली जी, ज़िंदगी में बात याद रखनी है, इंसान तरक्की क्यों नहीं कर पाता जी, इंसान के पास धैर्य क्यों नहीं रहा, इंसान संबंध क्यों नहीं बना पाता, दूर लंबे रिलेशन क्यों नहीं बना पाता। मैं आपको चिट्ठियों की बात आई तो मैं याद कर रहा था चिट्ठियों की बात, हमारे ज़माने में चिट्ठियाँ ही चलती थी, ये सच है शेफाली जी। जी आप लगते तो नहीं है प्रोफेसर इतने। नहीं नहीं नहीं, हमारे रिश्तेदारों की चिट्ठियाँ, कमाल की बात है। आपने शेफाली जी दूसरी तरफ ले गए, लेकिन पहले हमारे चिट्ठियाँ चलती थी। जी जी प्रोफेसर, मतलब कि मैं ऐसे नहीं लेके गई, मैंने ऐसा सोचा कि आप इतने ज़माने की बात करते हैं, अगर मैं अपने माँ बाप के ज़माने की बात सोचूं तो वो कह सकते हैं कि हमारे टाइम पे चिट्ठियाँ चलती थी। तो प्रोफेसर शायद अब भी कभी, शायद हम छोटे छोटे होंगे तो अभी चिट्ठियाँ चलती होंगी, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो प्रोफेसर चिट्ठियों के ऊपर वो कई तरह के गाने बने हैं, चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ जो कबूतर कबूतर लेके जाते थे, वो बहुत पुरानी बातें हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? शेफाली जी पहले के ज़माने पता क्या होते थे, मैं भी बताता हूँ। हमारा ना जो मेरा रिश्तेदार, मेरी मौसी रहती थी यूके में, इंग्लैंड में जी। वो मेरी मौसी मेरी मदर को लेटर लिखती थी जब भी उसने भेजना, तब पहले लेटर चलते थे, चिट्ठियाँ चलती थी। तो वो देखिए कब की बात है, मैं 1988 की बात करूँ, 1986-87 की बात करूँ, तो तब लेटर ही होते थे। तो टेलीफोन तो हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक ही घर में लगा होता था, वो कभी कभी आना होल्ड रखना, फिर भागे चले आना, आपका फ़ोन आया 5 मिनट रुक के फ़ोन करना, 10 मिनट, यानी कि वो कुछ आनंद वाले जो पहले थे, एक वेट करनी, एक उसका इंतज़ार करना, वो चीज़ें कुछ अलग थी। आजकल का ज़माना तो एक मिनट में कहता है यस नो, ओह तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, आज के बाद मुझे नहीं मिलाना, सीधा ब्लॉक, सीधा ब्लॉक और रास्ता छोड़ दिया। तब इंसान को ब्लॉक नहीं किया जाता, तो चिट्ठी घर पे आ रही आ रही है। चलो ये चीज़ें शेफाली जी ने बात की, मेरे दिमाग में आ गई बात, हाँ यार चिट्ठियाँ तो चलती थी पहले, आजकल रिश्ते क्यों नहीं बना पाते, चलो इसके ऊपर तो मैं बात करूँगा, लेकिन बात करूँगा फिर वही, इंसान ज़िंदगी में क्या चाहता है, सुख क्यों नहीं ले पाता, आनंद क्यों नहीं ले पाता, क्यों झंझटों में फंसा हुआ है, क्यों अपने इर्द गिर्द का एरिए को अपना लेता है। जैसे कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, अगर मेरे मोहल्ले में 4 बंदे रहते हैं, यार इसको ऐसा है, चलो इसके पास ऐसा है तो ऐसा कर लेते हैं, इसके पास, आपने किसी की छाया अपने ऊपर नहीं लेनी अगर आप कामयाब होना चाहते हो। हाँ अच्छे इंसान की छाया ले सकते हो, जो बहुत अच्छा है, जो आपको देख रहे हो आप, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लोग उनकी प्रेस करते हैं, लोग उनके पीछे रहते हैं और उनको मानते हैं, उनकी आप नकल कर सकते हो, लेकिन उन बंदों की नकल करनी कैसे, जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसे ही नहीं बोला गया। इसलिए जैसे शेफाली जी ने सबसे पहले बोला था, कमल का फूल कीचड़ में से निकलता है और कभी भी उनकी प्रकृति नहीं लेता, आपने इसको कैसे निखारना है ये मैंने बताना है। मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको शायद 5-6 घंटे में मिलेगा,
क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए। अगर आपको मिल गया तो ज़िंदगी में सोच लीजिए, कभी भाग दौड़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, जल्दबाजी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप धैर्य आप में आ जाएगा और भगवान जो चाहता है वो होगा, जो आप चाहते हैं वो भी तभी होगा जब अगर पहले भगवान की चाहना पूरी करोगे। भगवान पता क्या चाहता है? अच्छे कर्म कर, किसी का बुरा मत कर, किसी की सोच अपने ऊपर मत ले, जो मन आपका भागता है उसको कंट्रोल कर, जो आप चाहते हो वो मैं दूंगा। भगवान यही चाहता है, बस भगवान चाहता है कि किसी का बुरा मत कर। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा समझ लीजिए होने वाला है, ये मैं लिख के देता हूँ। लेकिन आपने उस प्रकृति में रह के उसकी आप कैसे नकल नहीं रहोगे? कहते जैसी संगत वैसी रंगत रहेगी रहेगी, लेकिन उस संगत में रहकर भगवान की रंगत को कैसे लाना, ये तकनीक मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन इस तकनीक को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना है, ताकि ये जो एपिसोड है हमारे, ये एपिसोड ज्ञान तो है ही है, साथ में आपको बताएंगे इसका उपाय कि ग्रहों के साथ कैसे जुड़े होते हैं। आपने जैसे कि मैंने शहद का पिछले एपिसोड में बताया कि शहद को कैसे यूज़ करना है, जख्मों के ऊपर लगा सकते हो आप। हमने पिछले जो पहले बीत गया, हम जख्म जितने भी जख्म होते हैं, आपके अंदर की बीमारी होती है, आप मोटापा है आप में, और सुबह की सैर करते वक्त आप अगर आधा चमचा लेकर जाते हो तो आपके वेट लॉस होता है। देखिए तो ये जो आपकी शुगर को कम, शुगर लेवल को भी कम करता है, अगर आप थोड़ा सा शहद लेकर जाते हो सुबह की सैर करते वक्त, थोड़ा सा शहद लेकर जाते हो, दो बूंद चार बूंद लेते हो, पाँच छः आधा चमचा लेकर जाते हो, तो आपकी शुगर लेवल भी कम होता है। कहते हैं मीठे को मीठा, हीरे को हीरा, लोहे को लोहा ही काटता है भाई। तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनी, हमारे बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए संगत आपके ऊपर रंग ना ला सके तो आपने क्या करना है? जो इंसान नेचर में रहता है, सुबह उठ के सैर करता है, वो कभी उसके ऊपर कहते ना संगत का असर नहीं आएगा, ये मैं लिख कर देता हूँ। जो इंसान सुबह दो घंटा डेढ़ घंटा पार्क में जाता है, नेचर से बातें करता है, फूलों के सामने बैठता है, फूल क्यों बनाएंगे? मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, पहले फूल इसलिए बनाएंगे ताकि आपके आंखों की पुतलियों को रंग का पता चल सके। भगवान ने इसलिए बनाए हैं ताकि आपकी आंखों को पता चल सके ये रेड कलर है, ये येलो कलर है। जो ब्लैंक हो जाते हैं समझ लीजिए उसकी आंखों में नुक्स होता है, वो आंखें ठीक नहीं होती, जिसको रंगों का बारे में नहीं पता होता। चलो ये तो मैंने बातों बातों में बातें आती, तो मैं पूरी बात करता हूँ, मेरी बातें बहुत आगे के आगे चली जाती हैं। देखिए एक पूरी दुनिया की बीमारी को, जड़ को दूर करता है सुबह की सैर और नेचर में बैठना। जो इंसान नेचर में बैठते हैं उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहती, दुख कभी नहीं आते, सुख की वर्षा उसके ऊपर हमेशा रहती है। लेकिन आजकल जैसे शेफाली जी ने बोला, इस एपिसोड को, इस बात को मैं फिर पूरा करूँगा बाद में, क्योंकि इस बात को लेकर ही हमारे पांच एपिसोड होंगे, चार एपिसोड होंगे, ये मैं पूरी करूंगा, थोड़ी थोड़ी बातें इसके बीच में बताते जाऊंगा। अब मैं शेफाली जी का तीसरा क्वेश्चन लेता हूं कि उन्होंने बोला था कि आजकल इंसान एक मिनट में साथी बदल लेता है, धैर्य नहीं होता और जल्दबाज होता है और टिका नहीं रहता, मन भागता है, ऐसा क्यों प्रोफेसर साहब? आजकल ही ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं होता था, आजकल क्यों होने लगा? देखिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमने अपने जितने भी पौधे, जितनी जड़ी बूटियां सब खत्म कर, जितनी हमारी नेचर सब खत्म हो गई। धैर्य हमें नेचर देती है, धैर्य देती है हमें अपनी खुराक, हम अपनी खुराक को भूल गए, हमने नई चीज़ें ले ली। ये कौन सा रेस्टोरेंट है? चाइनीस रेस्टोरेंट है। वाह क्या बात है, चाइना में तो डड्डू खाए जाते थे, खाए ही डड्डू हर आप, सही बात है शिवाली जी? वो क्यों नहीं खाते? चूहे खाए जाते तो खाइए फिर, हाँ बीमारी, वो बड़ी से बड़ी बीमारी इधर भेजते हैं तो लीजिए, ये भी तो चाइना की दी हुई है, कमाल की बात है। मुझे सबसे बड़ी बात ये दुख होता है कि जब हम अपने शहर में निकलते हैं, ये जी यूके का मार्का है, ये जी चाइनीज मार्का है, ये रेस्टोरेंट उसका है, ये रेस्टोरेंट उसका है, हाँ
जब कभी मैं फॉरेन में जाता हूँ, वहाँ अगर कहीं पंजाबी ढाबा दिखता है, जब कभी हिंदुस्तानी ढाबा दिखता है, जब कभी हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट दिखता है, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्र है भगवान का कि हमारे हिंदुस्तान वालों को थोड़ी सी मत दी कि उन्होंने भी बाहर जाके रेस्टोरेंट खोले। लेकिन ये हमारे यहाँ 100 होंगे, हम बेचारे एक आधे बंदे ने खोला होगा वहाँ पे। हमारा नाम रोशन करो भाई, भारत, भारत देश है हमारा, ऋषियों मुनियों की धरती थी भारत, उसके बाद हिंदुस्तान बना दिया, उसके बाद अंग्रेज गए इंडिया बना दिया। पुअर लोग, इंडिया का मतलब देखिए। अरे भाई भारत को जगाओ, भारत का एक एक सदस्य जहां जहां बसा है नाम रोशन किया है, पंजाब का एक एक सदस्य जहां जहां बसा है नाम रोशन किया है, हरियाणा का एक एक सदस्य जहां जहां बसा है नाम रोशन किया है। कभी भी हिम्मत देखनी हो हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, गुस्सा यूपी से आता है भाई। जो इंसान गुस्से वाले होते हैं यूपी में रहते हैं, जो इंसान धैर्य वाले होते हैं वो पंजाब में रहते हैं। धैर्य, पंजाब को क्यों हरा भरा बोला जाता था? सोने की चिड़िया हिंदुस्तान पंजाब से शुरू होता था और ऋषियों मुनियों की धरती है। लेकिन साउथ में जो हमारे मंदिर बने हुए हैं इतने बड़े, यहाँ पे पंजाब में मंदिर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे मुगलों का राज बहुत लंबा चला, साउथ में बहुत कम लोगों को जाने दिया उधर, क्योंकि उन्होंने आने ही नहीं दिया, अपने मंदिरों को हाथ नहीं लगाने। बड़ी बातें आगे जाकर जाने शुरू हो गई, पीछे आता हूँ भाई। तो इंसान रिश्ते क्यों तोड़ देता है, क्यों जल्दबाजी करता है? क्योंकि हमने अपनी जो कहते ना खुराक बदल दी है। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न तो आपका चाइनीज है भाई, क्या खा रहे हो? पिज्जा खा रहे हैं, क्या खा रहे हो? वो डोसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हो? और बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैं तो नहीं खाता। इसलिए कभी भी जिंदगी में अपनी मिट्टी, अपने सरसों का साग और मक्की की रोटी को कभी मत भूलिए, जो कि इंसान को दारे के जैसे पहलवान बनाती है। हम कभी नहीं भूलते, पूरी दुनिया को भूल जाता है, लेकिन दारा पहलवान हमारा याद ही रहता है। ये हिंदुस्तान भारत का और पंजाब का शेर। देखिए तो ऐसे ही पंजाब के शेर नहीं रहे, तभी तो मैं बोलता हूँ खुराक हमारे हिंदुस्तान की कभी मत भूलिएगा। जब भी हम चाइनीज़ खाना खाते हैं, चाइनीज़ चीज़ें लेते हैं, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ें घूमती हैं जैसे बनाई जाती हैं। तो घर का खाना ही खाना चाहिए, जिससे आपके रिश्ते ख़राब ना हो। जो आप जली कहते हैं ना गर्म गर्म चीज़ खानी जाती है, जो इंसान ज़्यादा गर्म खाते हैं वो भी इंसान ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है हमारा अंदर जलाने के लिए। अंदर तो पहले से जला हुआ है, 99 डिग्री टेम्परेचर आपके अंदर का है। देखिए और कितनी गर्मी आप डालोगे और गर्म गर्म खा के। सहता सहता खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाते हो तब भी आपका मंगल ग्रह खराब होता है, ज़्यादा गर्म खाते हो तब भी मंगल ग्रह खराब होता है, जल्दी खाते हो तब भी मंगल ग्रह खराब होता है भाई। तो मंगल क्या है? आपके रिश्ते नाते, आपके दोस्त मित्र, आपके आस पड़ोस, ये सब मंगल ही तो हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, अब कोशिश करेंगे कि हम किसी और ड्रेस में आएँ, कहीं और खड़े हो जाएं, नहीं तो आप बैठे बैठे आप भी कहोगे यार प्रोफेसर साहब ने तो 3-4 एपिसोड यहीं पे कर दिए। जी जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, भगवान का नाम भी जो है वो 5 तत्वों से बना है, भगवान, यानी कि भ का मतलब भूमि धरती, ग का मतलब गगन आकाश, वा का मतलब वायु हवा, अ अग्नि, न नीर जल। तभी आप बोलते हैं जो ब्राह्मिंडे सोही तत्व पिंडे, यानी कि बात की आपने खुराक के ऊपर, डाइट के ऊपर। हालांकि सबको पता है कि हमें अनाज कम खाना चाहिए, दूध कम पीना चाहिए, फल खाने चाहिए, सैलड खाना चाहिए, सिट्रिक फ्रूट जो है आप ही के एपिसोड से देखा है कि शाम के वक्त नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फल किस वक्त खाने चाहिए, सलाद किस वक्त खाना चाहिए, अनाज जो है। कुछ लोग क्या करते हैं 11 बजे लंच ब्रंच कर लेते हैं, वो भी गलत है, लेकिन कुछ लोग शाम को कर लेते हैं, वो भी गलत है। तो प्रोफेसर ये जो डाइट चार्ट है ना जो आप फॉलो करने को कहते हैं, तो आज आप अपने परिवार के लोगों को बता ही दीजिए कि किस वक्त तो जो है कैसा खाना खाएं और सारी ज़िंदगी जो है वो तंदुरुस्त रहे। शेफाली जी बातें तो हमारी बहुत सारी होती हैं,
ये बातें हमारी शिवानी जी आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं। इस एपिसोड के यही बातों का जवाब तो मैं अगले एपिसोड में दूंगा और कोशिश करूंगा तभी अगले एपिसोड में दूंगा अगर आप हमें कमेंट में बोलोगे, कमेंट में लिखोगे प्रोफेसर हमें ये चीज़ अच्छी लगी। कई दफ़ा तो कहते हैं ओम नमः शिवाय, भगवान का नाम तो ये मैं आपके मुँह से जपाना चाहता हूँ, चाहे कोई भी भगवान का नाम लीजिए, लेकिन साथ में मुझे भी तो उत्साह मिलना चाहिए कि मैं आपने मेरा एपिसोड सुना और ये चीज़ आपने नोट की, आपने बोली, उसका जवाब मैं दूं आपको। देखिए तो आपको जवाब तो मिलेगा लेकिन मैं अगले एपिसोड में दूंगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना आपने, सबसे पहली बात, जब भी कोई भी इंसान चाहता है कि कोई भी चीज़ परेशानी है, भगवान का नाम ऐसे ही नहीं गया गया, पाँच तत्वों से लिया गया है, पांच तत्व जो हमारे भीतर हैं, यानी कि इंसान ही भगवान बन सकता है। बहुत सारी बातों का ज्ञान देंगे हम, लेकिन शेयर जब तक नहीं करोगे, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, तब तक मुझे उत्साह नहीं मिलेगा और मैं आपको और भी अच्छी सी ऐसी बातें दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि और भी ऐसी बातें हैं जो हमारी भीतर की बातें हैं जो रह गई हैं, पूरी करूँगा अगले एपिसोड में, हम चलते जाएंगे। हाँ, जो इंसान कीचड़ में रहकर भगवान के आगे वही फूल देता है, वो चढ़ता है, ऐसे में आपको बनाना चाहता हूँ। आप किसी भी सोसाइटी में रहो लेकिन आपका नाम हो तो ऐसा बनेंगे अगर आप इसी एपिसोड को देखते रहते हो। जी, वीडियो के अंत तक आप बने रहें क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा चलने वाला है। कहीं से भी आपने स्किप कर दिया ना तो आपका ज्ञान जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप जो हैं ज़िंदगी में सफल बन सकें। और प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा बताया, उनके अंदर से जो है एक उपाय निकल ही गया कि माँ लक्ष्मी के चरणों में अगर आप फूल चढ़ाते हैं शुक्रवार के दिन तो आप तरक्की की राह की ओर चलते जाएंगे, चलते ही जाएंगे और चलते ही जाएंगे। तो इसी तरीके से चलो आपको जवाब देते हैं जो शेफाली जी ने पूछा कि नेचर में रहते हुए भी आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, भीड़ में रहते हुए भी अगर आप नेगेटिव होते तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाता है और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।